बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए किसी भी संख्या को आपको भाग देना होता है तो आप इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करते हैं। देखिएगा ये हमारा हो गया 10,000, इसको हमें भाग देना है 75 से। ध्यान दीजिए जब आपको इतनी बड़ी संख्या से भाग देना होगा तो आपको 75 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो आप क्या करिएगा जिसका पहाड़ा याद है ना, जैसे मुझे यहां पर 75 का पहाड़ा याद नहीं है तो मैं 5 को क्या कर लूंगा थोड़ा से अलग लिख लूंगा, मतलब 5 को मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब मुझे पहाड़ा केवल 7 का पढ़ना है, इतना याद रखना है। लेकिन तरीका क्या है ध्यान दीजिए, आपको तो भाग 75 से ही देना था लेकिन हमने इतने भाग को अलग से लिख रखा है, तो इसको आपको क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले आपको 7 का पहाड़ा पढ़ना है तो कितने बार आएगा 7 × 7 आएगा और यहां पर लिखेंगे 1। ध्यान देना है वास्तव में इसको भाग देना है 75 से, भाग दे रहे हैं 7 से, मतलब ये अगर मैं 75 से भाग देता तो ये वाला शून्य भी साथ में शामिल होता है। इसका मतलब ये है यहां पर तो हमारे पास 3 बज गया लेकिन ये वाला संख्या छूट गया है, तो ये वाला संख्या को जब आप उतारेंगे ना तो इसको और भाग देना पड़ेगा, मतलब टोटल 75 से भाग देना था तो आपने 7 से तो भाग दे दिया तब इतना आया, लेकिन ये 5 छूटा हुआ जिसको हमने अलग से लिख रखा है तो इसको 5 से भाग देंगे, लेकिन उतने बार ही आपको अलग से पहाड़ा नहीं पढ़ना है, उतने बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 × 5। ये देखिए अब इसको हम घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा ध्यान दीजिएगा 25 आएगा। अब जो संख्या आया है, ये जो संख्या दिख रहा है इसको आपको फिर से भाग देना होगा, किससे 7 से भाग देना है। अब जब इसको 7 से भाग देंगे, देखिए हमको पता है कि यहां पर जैसे ही 10 उतारते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर जैसे ही मैं 10 और उतारूंगा उसको मैं पुनः किससे भाग दूंगा 75 से भाग दूंगा, लेकिन मुझे तो उसको क्या करना है दो पार्ट में भाग देना है, तो ये जो संख्या आया है उसको मैं 7 से भाग दूं तो यहां पर कितने बार जाएगा 7 × 21। ध्यान दीजिएगा 7 × 21 आ रहा है, अभी मैंने शून्य को नहीं उतारा है, 7 × 21 आ रहा है, यहां पर कितना बचेगा 4 बचेगा, और जैसे ही आप ये शून्य को उतारेंगे तो आपको इसको 5 से भी भाग देना पड़ेगा। अब जब 5 से भाग दूंगा तो इतने बार ही पहाड़ा पढ़ूंगा, तो 5 × 15 आएगा यहां पर, 5 × 15 इसको जब घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, अब यहां पर कितना आ रहा है 3 बचा है तो यहां पर आ जाएगा 2। मतलब आपको समझ आ गया कि 10 बचा हुआ है, अब जब 25 बचा है इसको आपको पुनः भाग देना पड़ेगा किससे 7 से। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है ज्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहां पर हमें इसको फिर से समझना है, अब देखिए यहां पर जो संख्या दिख रहा है इसको फिर से आपको भाग देना पड़ेगा 7 से। अब 7 से भाग देंगे तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है 7 से तो फिर से भाग देना पड़ेगा, तो ये फिर से कितना बार जाएगा 7 × 21, यहां पर आ जाएगा 7 × 21 आएगा, भाग देंगे तो यहां पर आएगा 4। अब आपको पता है कि जब 4 आया है तो यहां से 10 बचा हुआ है, ठीक है 10 को जैसे ही उतारेंगे ना यहां पर तो आपको फिर से इनको इतने बार ही पढ़ना पड़ेगा 5 का, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 × 15। निश्चित रूप से अब हमने इसको पूरा भाग दे लिया है, यहां पर 5 आ रहा है 2 आ रहा है, निश्चित रूप से जब 25 आया यहां पर देखिए 25 जब आ रहा है, 25 जब भी आ रहा है तो इसको हम भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है, मतलब अब हमारे पास संख्या बचा नहीं है, तो आप क्या करिएगा इसको जब भी भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे 3 3 3 3 3 3 3 इस प्रकार आता जाएगा, मतलब जब इसको हमने भाग दिया तो हमारा मेन जो उत्तर है वो कितना आ गया, हमको समझ आ गया है कि हमारा जो मेन उत्तर है वो यहां पर कितना आ गया है, ज्यादा बड़ा हो गया यहां पर देखिए, अब हमें क्या लिख लेना है यहां पर उत्तर लिख लेना है, और हमको इतना तो समझ आ गया है इसका उत्तर कितना रहा है 1 3 3 3 3 3। निश्चित रूप से ये जो है हमारा उत्तर आ गया जो कि पहले विधि में भी आ रहा था। निश्चित रूप से ये भाग देने का थोड़ा सा अलग सा तरीका है, लेकिन इस तरीके का उपयोग करके आप बड़ी सी बड़ी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं।